वल्चर है भाई, थोड़ा मेरे को बताएं प्लीज आप यार। ये पुलकित जी हिमालयन ग्रिफन वल्चर ब्रीड है, जो कि वल्चर की ब्रीड में सबसे बिगेस्ट बर्ड है। और आपको एक जानकारी और दूं, ये 37,000 फीट की हाइट पर ये बर्ड फ्लाई कर सकता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बर्ड है। अच्छा, ये काटता है किसी को आप बता रहे, काटता है कि नहीं काटता? ये गर्ल्स को और बच्चों को काटता है। वाह यार, मुझे तो नहीं काटेगा ना, मैं गर्ल हूं, बच्चा हूं। ओ भाई, वो एक सवारी कर रहा है, उसकी सवारी कर रहा है। बिल्कुल जख्मी हालात में, एक आंख इसकी ब्लाइंड है, इसके जो टीथ हैं वो आरी से कट करवाए गए हैं इसके ओनर के प्रति, और जो इसके ईयर हैं वो भी देखो क्रॉप करवाए हैं। और सो फिलहाल जो है हम आए हुए हैं स्पेशली सिरसा चंडीगढ़ से। यहाँ पर क्यों आए हैं, एक बहुत ही अमेजिंग जगह को कवर करने, जो कि है एनिमल एंड वेलफेयर सेंटर। सो बेसिकली ये चीज़ जो है क्या है अभी आपको पता लगी जाएगी, और यहाँ पर आज क्या मैं आपको दिखाने आया हूँ। पर बहुत अलग बर्ड यहाँ पर एक आई हुई है, जो कि मेरे हिसाब से पूरे इंडिया या फिर पूरे नॉर्थ साइड में बहुत कम देखी जाती है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, आपको मिलवाते हैं सभी से, और यहाँ पे एक मंकी भी है, उससे मिलवाता हूँ। आ जाओ। हाँ जी भाजी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया पुलकित जी, आप बताइए। बात तो यहाँ पे जैसे कि मैं किसी भी एनिमल लवर के पास जाता हूँ, स्पेशली जिनके पास मंकी होता है वो तो चिपक के रखते हैं टाइम। ये क्या नाम है भाजी इसका यार? किसका नाम है जी? बजरंगी। वाह बजरंगी, अरे मिलेगा मुझसे? अच्छा, ये काटता है किसी को आप बता रहे, काटता है कि नहीं काटता? ये गर्ल्स को और बच्चों को काटता है। वाह यार, मुझे तो नहीं काटेगा ना, मैं गर्ल हूं, बच्चा हूं। हेलो। नहीं, ये सबसे पहले तो नमस्कार पुलकित भाई का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला हमारे एक छोटे से शेल्टर हाउस को कवर करने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो एनजीओ है इसका नाम है एनिमल एंड बर्ड वेलफेयर सोसाइटी। ये एनजीओ हमने 2018-22 सितंबर को स्टार्ट की थी। अप्रोक्सीमेट 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमें इन बेजुबानों की सेवा करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे हमने शेल्टर हाउस स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमारे पास बजरंगी आया था। तो बजरंगी आया था गाज़ियाबाद से, इसकी मदर एक्सपायर हो गई थी इलेक्ट्रिक शॉक में, और इसकी जो एक बाजू है वो कट चुकी थी वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तब से ये हमारे पास है, अभी इसको चैन कर रखा है, परंतु हम इसको चैन नहीं करते हैं, ये ओपन ही रहता है, और रहता भी हमारे शेल्टर में ही है, सारा दिन ओपन यहीं रहता है, ब्रह्मचारी है पूरा। अरे वाह, हेलो। चलो अब चलते हैं यार, बहुत सुंदर भाई ने सेटअप बना रखा है, आप देखना। ये सारी की सारी सेवा वो भी दिल से की गई है, क्योंकि तभी एक एक चीज ना प्रॉपर है यहाँ पे। तो आप हमारे को एक एक करके सभी से मिलवाइए, यहाँ के सभी मेंबर से मिलवाइए, और जो स्पेशल चीज जो आज हम सबको दिखाने वाले है, नॉर्थ इंडिया में बताया कि किसी की आज से किसी एनजीओ को भगवान कह लीजिए किस्मत है कि नहीं पहुंचा वहां तक, वो है एक वल्चर। वो वल्चर भी हम आपको दिखाएंगे अभी, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, वो उधर कोने में बैठे, मैं पहले से एक झलक दिखा देता हूँ, बट हम उसको थोड़े बीच में आपको दिखाएंगे। वो देखो पूरी एक इनकी एम्बुलेंस भी रन होती है, और वो एम्बुलेंस के आगे बैठा है, वो देख रहे हो आप सामने गाइस, वो बैठा है एक वल्चर। तो बाकी अभी आपको आगे दिखाएंगे। वो बिल्कुल ओपन है, हाँ, कोई हमने उसको टाई नहीं किया हुआ है, कोई बांधा नहीं, कोई केज नहीं किया हुआ है, मेन ये बात है, बिल्कुल ओपन है, और इसने उड़ना है तो ये उड़ भी सकता है, चला जाए चाहे। बिल्कुल, इसकी स्टोरी अभी बाद में कवर करेंगे गाइस, फॉर टाइम बीइंग अभी मैं मिलवाता हूँ एक एक करके सभी के सभी यहाँ के जितने भी रेस्क्यूड एनिमल्स है। लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग बॉय, ये कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ यार। ये इसका नाम है रैम्बो, ये मेरे किसी फ्रेंड ने परचेज किया था। तो ये बच्चा पहले अच्छा था, परंतु बाद में सडनली ये ब्लाइंड हो जाता है, और अभी जैसे ये पहले घर रहता था तो इसका वहाँ पर दिल नहीं लगता था, क्योंकि मैं जो अपना फुल टाइम है 24 आवर, लास्ट 6 मंथ से मैं सो भी नहीं, बच्चों के साथ ही रहा हूँ, तो तभी फिर घर के बोले कि ये उदास हो जाता है तेरे बिना, तो इसको अपने साथ वहीं ले जा। वाह जी वाह, बहुत सही। और ये अंदर मैं देख सकता हूँ, बहुत प्यारी प्यारी बकरियां हैं, अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये गॉड्स को हमने क्या किया है, कसाई स्लॉटर हाउस से हमने रेस्क्यू किया था। अच्छा, स्लॉटर हाउस से हमने ये 2 गॉड्स को रेस्क्यू किया, बहुत छोटी थी पुलकित भाई ये, जब हम इन्हें लेके आए हैं ना, तब उसके बाद 1 महीने बाद एक गोट ने बच्चा दे दिया। अच्छा, मतलब कि वो जो फीमेल गोट थी वो ऑलरेडी 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी। और स्लॉटर हाउस में वो गई हुई थी कटने के लिए। और यहाँ पर जैसे वो बच्चा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस बच्चे का नाम ही हमने वारिस रखा है। अच्छा हाँ, अरे वाह, ओए ये दिखाता हूँ गाइस आपको, ये वारिस।
ये बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ है। वाह, अगर ये स्लेटर हाउस होता तो ये कब का कट चुका होता। ये पेट में ही कट चुका होता, पेट में ही कट चुका होता ये। ओए, तेरी तो भाई बढ़िया किस्मत है भाई, स्मार्ट बॉय। क्या बात है। और अंदर आता हूँ गाइस, मैं आपको मिलवाता हूँ इन सभी से। यहाँ पे देखना, ये इसका नाम क्या है? ये इसके दांत देख रहे कितने सही है, वो खुश हो रही है। ये सीधी है, ये इस महीने बच्चा दे देगी। और ये राधा आ गई है। राधा जी थोड़ा नहीं, ये बहुत काम है, बहुत शरीफ गौ माता है हमारी। हाँ नहीं, मेरे को ना थोड़ा सा डर लगता है, प्यार से आते हैं मेरे साथ ना। अभी पीछे मैं पीपल्स फार्म में था, मेरे पे हमला हो गया था गाय के द्वारा ना। ये गणेश है। अरे वाह गणेश, छोना बच्चा है तो बड़ा प्यारा है यार। ये भी स्लेटर हाउस से लिया हमने। वाह बहुत सुंदर था ये, इसीलिए। वैसे पुलकित भाई, हम रोक तो नहीं सकते हैं, इन बेचारों की किस्मत ही है कि इन्होंने कटना ही है। इसका बच्चा है पुलकित जी वो? अच्छा हाँ, ये रिधि है, रिधि का बच्चा है वारिस। वाह, इसने कटना था उस दिन। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम लेने गए ना तो वो ये बोल रहे थे कि हम आपको तैयार करके दे देते हैं। तो हम आपको बना के दे देते। मैं बना के दे देते क्या मतलब? कहते भैया काट के सफाई करके। मैं कहा भैया जिंदा चाहिए मुझे, इनकी जान नहीं लेनी, इनकी जान बचानी है। तो हमने दो जान की कीमत दी उनको, 7,000। हाँ। और हमने बचा ली 3 जान। वाह यार ये तो सही है। वैसे करना चाहिए, अगर आप जो इंसान के जेब में थोड़ा सा भी पैसा और अगर वो इस चीज में बिलीव कर, एनिमल फ्रेंडली, एनिमल को प्यार करता है, तो वो इतनी चीज तो कर ही सकता है। जैसे लोग बोलते पुलकित भाई मेरे को कि बकरियों को बचा के क्या मिला, ये तो कटती है। मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट 3 या 4 तो बची, बिल्कुल मेरी वजह से। ये तो है। सो गाइस, वो देख सकते हो आप वल्चर को कैसे पंजे खोल के। वाह क्या बात है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है। तो गाइस फाइनली मैं आपको वो चीज दिखाई देता हूँ जो मैंने आपको बताई थी, वो है ये वल्चर। कौन सा वल्चर है भाई, थोड़ा हमारे को बताएं प्लीज आप यार। ये पुलकित जी हिमालयन ग्रिफन वल्चर ब्रीड है, जो कि वल्चर की ब्रीड में सबसे बिगेस्ट बर्ड है। और आपको एक जानकारी और दूं, ये 37,000 फीट की हाइट पर ये बर्ड फ्लाई कर सकता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बर्ड है, जो इतने हाइट के ऊपर जाके आसानी से उड़ लेते हैं। इसको आप पकड़ सकते हो, आपके साथ फ्रेंडली है? हाँ, मेरे साथ फ्रेंडली है, अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है क्योंकि 5-7 दिन हो गए हैं मुझे रेस्क्यू किए। देख सकते हो ये इतना फ्रेंडली तो है भाई के साथ की। ओहो हाँ, कर लेता है ऐसे पर। बट मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, रील बहुत हो जाता है। देखो हो गया ना, काम हो जाता है, बट थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि वो है ना, फिर वाइल्ड बर्ड है तो अपना थोड़ा नेचर तो बताएगा कि मैं भाई तुम्हारे से ताकतवर हूँ। वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएचर। और जटायु इसका आपने नाम रखा है ना जी? वाओ, मैं साथ में बैठ जाऊँ मेरे को? हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल। गाइस आई एम टेकिंग अ रिस्क। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप सांप से नहीं डरते, किससे? मेरे को इससे थोड़ा सा डर लग रहा है। और आप क्या कहते हैं, ये कितना के ताकतवर होगा, इसमें कितनी की जान होगी, मतलब किस, इसका कंपेटिटिव बर्ड या कंपेटिटिव एनिमल कौन है, किससे लड़ सकता है? तो इसका जो हम बाइट फोर्स की बात करें, अगर शिकारी पक्षियों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नाम आता है ईगल का कि बाज। बाज है सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, हम उसी को मानते हैं कि ये सबसे ताकतवर शिकारी पक्षी है। लेकिन आपको बता दूं, इसकी जो आईसाइट है, विजन है, वो ईगल से 3 गुना ज्यादा है। जूम कर सकता है ये देखो, पास से इसकी आईज दिखाऊंगा गाइस। तो ये अभी इतना जूम कर सकता है कि ये मतलब दूर तक देख सकता है, राइट, यहाँ पे बैठा हुआ। हाँ वही है, देखो 37,000 की फीट से ये नीचे डेड एनिमल को देख सकता है। आप सोच सकते हैं कि प्लेन जितनी हाइट के ऊपर, अगर प्लेन उड़ते हैं, ये नीचे दिखता भी कुछ नहीं है। माउंट एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची मानी जाती है हिमालय की, ये उससे भी ऊंचा उड़ता है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो होता है, मतलब कोई जी नहीं सकता, और वहां ये उड़ता है। तो इसकी बेचारी की किस्मत ऐसी रही होगी गाइस कि ये जा रहा होगा अपने ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में जा रहा होगा, और ये वहां से कहीं खेत में गिर गया आसपास, और भैया की लक लगा लीजिए कि भैया को इसको रेस्क्यू करने का मौका मिला, और अभी इसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये कुछ इसके लिए स्पेसिफिक अलग नहीं करते आप? और ये ग्रोन अप है, आप कैसे बता सकते हैं कि ग्रोन अप है? ग्रोन अप जैसे पुलकित जी, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं बर्ड्स रखते हुए, तो बर्ड्स का जो ग्रोन अप का वो पता लगता है, एक तो इनके जो टोज होते हैं, पंजे होते हैं, उनसे पता लगता है, एक इनके जो फ्लाइट फीडर होते हैं, साइड के फीडर होते हैं ना, हाँ। बच्चे होंगे उनके जो फीडर होते हैं उनमें ब्लड होता है, वो कच्चे होते हैं, लेकिन इसके जो फीडर हैं वो पूरी तरह से पक चुके हैं, मतलब ये अडल्ट है। तो कोई ऐसे अंदाज, इनकी कितनी उम्र रहती है, पूरी कितने ही साल की तक जी लेते हैं?
इनकी उम्र का एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं की। एक्चुअली ये आए पहली बार है। हाँ, तो ये आया कैसे? इसका जो मैं आपको इतनी सी जानकारी तो है कि ये बर्ड हिमालय पर रहते हैं। तो अभी जैसे आपको पता है अपने हरियाणा पंजाब इस साइड इंडिया में सर्दी का मौसम हो गया, इंडिया में भी ठंड पड़ी, हाँ सभी में। तो जैसे हिमालय पर बर्फ़ आ जाएगी तो बर्फ में ये बर्ड क्या करते हैं, साउथ में या नॉर्थ में राजस्थान साइड में माइग्रेट हो जाते हैं। तो जैसे हिमालय से माइग्रेट होके इस महीने माइग्रेट होते हैं और ये अप्रैल मई में दोबारा अपने हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं, हिमाचल में चले जाते हैं। तो वहां पर ये मुक्सर से मेरा फ्रेंड है जसमिंदर ब्राड, मुक्सर ब्राड फार्म उनका है ब्राड फार्म, तो उन्हें ये बर्ड मिला था एक्चुअली। तो उनके पास जैसे ये बर्ड आया तो उन्होंने मुझे इसकी वीडियो भेजी कि जसपाल भाई ये बर्ड आया है मेरे पास में। तो उन्होंने 2 दिन अपने पास रखा, उसके बाद ये हमारे पास आ गया जो इसके फ्यूचर ट्रीटमेंट था और टेक केयर के लिए। अब ये फाइन है, एब्सोल्युटली फाइन है, बहुत अच्छा है। अभी देखो अब ये वेट कर रहे हैं कि खुद ही जाएगा, इन्होंने इसको फ्रीली छोड़ा हुआ है। हाँ, जब ये अभी इसको खाना मिल रहा है, ये नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिना एफर्ट के इसको खाना मिल रहा है। और ये भाई से इतने प्यार से, ये ऐसे वाइल्ड एनिमल इतने प्यार से हाथ नहीं लगवाता गाइस। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा पिगी भी रेस्क्यूड है जो कि इन्होंने 3 दिन का रेस्क्यू किया था। कहाँ से किया था रेस्क्यू? पुलकित जी ये हमारे सिरसा में एफ ब्लॉक है, वहाँ से एक बहन का कॉल आता है कि भैया बारिश का टाइम था तो भैया यहाँ पर ना गटर में से पिग के बच्चे की बच्चों की आवाज आ रही है। हाँ। कितने बच्चे हैं वो नहीं पता है, तो आप प्लीज आ जाइए तो देख लीजिए। जैसे हम गटर में अंदर टॉर्च करके देखा तो एक बच्चा हमें नजर आया और उस बच्चे को हमने जैसे रेस्क्यू किया। तो लोग बोले कि आप इनको ना यहाँ पे हमारे जैसे मीट शॉप है, हाँ। फिर वहाँ दे दो, वो पाल लेंगे या काट देंगे। मैं क्या भी, फिर तो ये गटर में मर जाता, फिर तो एक ही बात है। हाँ, वो तो कोई फर्क नहीं आ गया ना उस अगर में। उसको बचा के भी हमने मरवाना है तो फिर हम बचाने क्यों गए? बिल्कुल। और मैं मिलवाता ये यहाँ पे, ओए क्या नाम है इसका? पिगी। ये बोलेगी पिगी, हाँ खड़े हो बच्चे, वो पूछ रही है इसकी। पिगी खड़ा हो बेटे, मेरे को इसको देख के मीमी याद आ गई। पिगी खड़े हो बच्चे, मीमी याद आ गई मेरे को देख के। हाँ वो कड़ी हो गई। वाह, अरे वाह, ये आपस में तो सारे इकट्ठे रह लेते हैं, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा। सभी देखो इनका, सभी का खाना भी इकट्ठा है, सोना भी यही इन्होंने साथ में मिलके। वाह यार, पिग गंदे होते हैं, काटते हैं। सही बताऊं पुलकित भाई, आज तक ये कीचड़ में नहीं लेटी। इसका बर्थडे बनाया था हमने, केक करवाया था। अच्छा, क्या बात है यार। सो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर जो रेस्क्यू डॉग्स हैं उन सभी से मिलवाने। तो यहाँ पे जितने डॉग्स हैं ये सभी के सभी किसी न किसी ऐसी कंडीशन से निकल के आए हैं जो बहुत ज़्यादा वर्स है। हम आप मतलब वीडियो में आप देख भी नहीं पाओगे और हम तो लाइव देख रहे हैं और ये भाई लाइव इनकी सेवा करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कितने डॉग्स हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट यहाँ पर 20 के आसपास बच्चे होंगे अभी मेरे पास जो रेस्क्यू किए हुए हैं मैंने अलग अलग जगह से। तो मैं आपको इनका जल्दी से कवरअप बता देता हूँ सभी बच्चों का, जो जो हमने जहाँ से रेस्क्यू किए और उनकी क्या क्या इनकी कहानी है जी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ तो देख सकता हूँ, कुछ परमानेंट भी रह रहे हैं यहाँ पे? परमानेंट यहाँ पर सिर्फ भूचाल रहेगा, जो कि एक अपने ओनर गंदे ओनर की वजह के क्रुएलिटी का शिकार हुआ है। इसका अब इंसानों पर से पुलकित जी विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। अच्छा, ये देखो डॉग्स के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहेगा, किसी डॉग के साथ कोई फाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये गाइस बिल्कुल मीमी जैसा दिखता है, बहुत ज्यादा क्यूट तरीके से बैठा है और प्यारा लग रहा है, देखिए ऊपर गुस्सा। मैं इसको सही बताऊं, हाँ। अभी तो पुलकित जी ये कुछ मतलब काम डाउन हो गया, क्योंकि 2 महीने मेरे पास हो चुके हैं इस बच्चे को आए हुए। अदरवाइज ये गेट से अंदर एंटर नहीं करने देता था मेरे अलावा किसी और इंसान को। तो ये क्या हुआ, क्या था इसके साथ? इसके साथ क्या हुआ, ये सिरसा के ही पास में डिंग मंडी पड़ती है, वहाँ ये पुलिस थाने में चला गया था, जो कि बिल्कुल जख्मी हालात में, एक आंख इसकी ब्लाइंड है, इसके जो टीथ हैं वो आरी से कट करवाए गए हैं इसके ओनर के प्रति, और जो इसके ईयर हैं वो भी देखो क्रॉप करवाए हैं, और सर पे और बैक पर बहुत ज़्यादा हजारों की संख्या में कीड़े थे, और इसका बॉडी वेट था सिर्फ 6 किलो। अब तो ये अट्टा कट्टा लग रहा है थोड़ा सा, है बहुत अच्छा हो गया है और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। चलते हैं, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पहले ही रैबिट्स, बहुत प्यारे प्यारे रैबिट है, वो भाग गए। अरे वाह, तो ये रैबिट्स भी रेस्क्यूड है भाई? जी जी, ये भी रेस्क्यूड है। वाह, और यहाँ पे एक बहुत प्यारा बुल्ली है ये जिसकी बात आप कर रहे थे, राइट? ये वही वाला बुल्ली है जी सर? ये इसको यार बुलाओ यार, ये ऐसे तो बड़ा अग्रेसिव सा लग रहा है। नहीं, बहुत काम है, बहुत ज्यादा शरीफ बच्चा है ये।
ये इसका नाम हमने रखा है टर्बो। अच्छा, अरे वाह, इसको खड़ा कर सकते हैं हम, ये इसकी हाइट बहुत ज्यादा लग रही है। टर्बो खड़ा बच्चे, टर्बो खड़ा बच्चे। ओ माय गॉड, वाह, देख सकते हो आप इसकी, क्या बात है भाई, पाकिस्तानी बुल्ली है ना ये? जी, वाह वाह। इसके हल्का सा पंजा भी टेढ़ा है क्या आगे से? हाँ, इसका पंजा आगे वाला भी टेढ़ा था, वो भी अंडर ट्रीटमेंट है। पीछे का भी इसका जो था वो भी अंडर ट्रीटमेंट था, लेकिन वो सही हो गया, अभी ये खेलने को कर रहा है। अब ये बताओ कि इतने बड़े डॉग के साथ भाई कौन खेले? कोई छोटा बच्चा तो उसके साथ खेल ले। वाह, और यहाँ पे और भी मैं देख सकता हूँ मुर्गे हैं, और ये खा रहे हैं भाई यहाँ पर बैठे रैबिट्स कुछ ना कुछ। और ये कौन सा बर्ड है भाई? ये हरियाल है। अरे ये तो मैंने भी पहली बार देखा। हरियाल है, मैं आपको दिखा दे देता हूँ, इसको ओपन करके भी दिखा सकता हूँ। वाह, तो इसको बाहर ही निकाल लेता हूँ मैं। ये कौन सा बर्ड है? तो भाई मैंने, ये हरियाल है, ये पिजन की ही ब्रीड है। अच्छा, ग्रीन पिजन है ये। जी, जी, ग्रीन पिजन। मुझे लग नहीं रहा था, ग्रीन पिजन है, मैंने देखा है पहले। इसकी आप आईज देखिए, पर्पल कलर की इसकी आईज होती है। रिंग देखो इसके, इसके जो पंजे होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। और ये मोस्टली फ्रूट्स खाता है, और जो बरगद होता है अपना बनियान ट्री, उसके जो फ्रूट्स होते हैं ये मोस्टली वही चीजें खाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये बहुत शरीफ बच्चा है, ये सिर्फ डॉग्स के प्रति ही अग्रेसिव है। डॉग्स जो इसको अटैक करेगा ये सिर्फ उसी पे अटैक करेगा, अदरवाइज मैं आपको दिखा दूंगा। अभी बजरंगी को भी पास लाएंगे हम, दिखाते हैं बजरंगी किस तरह से इसके साथ खेलते हो। तो गाइस, बजरंगी को ये चेन करके रखा हुआ है स्पेशली वीडियो के लिए, नहीं तो बजरंगी ये आफती है। इसको अभी हम खुला छोड़ेंगे तो भाग इधर उधर भागना शुरू कर देगा, मुझ पर भी ये वो कर सकता है। हाँ, वो देखो खुश हो रहा है। वाह, ये देखो, आपने कभी नहीं देखा होगा एक बंदर और एक डॉग को, वो भी इतने बड़े डॉग को, उसको पैर मार रहा है, पैर मार रहा है। उसको रोटी दे दी, उसको रोटी दे दी। वाह वाह, अरे 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 अरे, देख रहे हो भाई, ये भाई की हाइट 6 फीट के करीब हो गया ना, 6 फुट पूरी है। वाह देखो, ओ माय गुडनेस, भाई से भी ऊपर चला गया यार ये तो। देखना गाइस ये कैसे हरकत है, ओ वो उसके मुंह पे चढ़ गया भाई, ये देखना। वाह, ये देखना, ओए देखना, ओ उसका मुंह पकड़ लिया भाई की आपस में बड़ी खतरनाक बचती है यार, ये तो मैंने भी पहली बार देखा है। ओ भाई, वो एक सवारी कर रहा है, उसकी सवारी कर रहा है बजरंगी, और गाइस पूरे हैवी ड्राइवर है, देखो वो अभी भी रुक नहीं रहा है ये। अभी पुलकित भाई जो शेल्टर हाउस चलाना है वो मैं अपने जैसे वीडियोस वगैरह में वैसे भी बताता हूँ कि अगर 10 परिवार हम चला रहे हैं ना, 10 परिवार को चलाना और एक शेल्टर हाउस को चलाना एक बराबर है। तो अभी सोचो कि 10 परिवार को चलाने में कितनी मेहनत है, कितना खर्चा है। और यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 100 से 150 पशु पक्षी हैं, जिन्हें हमने अलग अलग जगह से अलग अलग कारणों से रेस्क्यू किया गया है। अब सभी का जो खाना पीना है, उनका रख रखाव है, उनकी देखभाल है, वो सभी की बिल्कुल अलग है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम सुबह, मैं 4-4:30 बजे उठता हूँ सुबह, क्योंकि उस टाइम पानी आता है, और 4:30 बजे उठ के पानी भर के फिर इनके जो कोटी वगैरह होते हैं, केज वार्ड वगैरह, वो सारे क्लीन करके फिर बर्तन जो होते हैं, जैसे रात में खाना दिया वो रात को ये खा लेते हैं घूमते घूमते, तो सुबह बर्तन उठा के बर्तन धोने, उसके बाद में खाने का हो जाता है, दोपहर में पानी का, सफाई का, और दिन में तकरीबन 10 से 15 रेस्क्यू पर डे आ रहे हैं। इसके लिए भाई ने ना ऊपर भी सेटअप बनाया हुआ है, बहुत सुंदर सेटअप बनाया हुआ है, और जो फ्री बर्ड्स हैं वो अपना उड़ रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ए टू जेड सारी इन बच्चों के लिए रखी हुई है। ये कितने एरिया में होगी भाई जो पूरा शेड है? ये जो शेड है ये हमारा है 75x25। और पूरा ये वैसे बाकी एरिया, ये एक कनाल में है, एक्चुअली जगह तो है 3 कनाल। ये हमारे सिरसा के ही डॉक्टर सांगवान जी हैं, उन्होंने ये तब तक सेवा में दिए जब तक हम अपनी जगह लेने के लिए कैपेबल नहीं हो जाते। वाह, बहुत सही। तो आप गाइस इन सभी को, सारे पूरे शेल्टर को सपोर्ट कर सकते हैं डोनेशंस करके, साथ ही साथ अगर आपको इनको और सपोर्ट करना है, इनका इंस्टाग्राम आप फॉलो कीजिए। किस नाम से आपका इंस्टाग्राम? इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब हमारा एनिमल्स बर्ड्स वेलफेयर के नाम से है। तो तीनों चीज़ें जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, आप ज़रूर चेक करना। और आप यूट्यूब पर भी एक्टिव रहेंगे तो यूट्यूब से भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं इनके। और बहुत अच्छा लगा आप सभी भाइयों से मिलके, और आप सभी से मिलके थैंक यू सो मच भाई, एंड आई होप आप ऐसे ही और
अच्छे अच्छे काम करते रहे। इतने प्यारे बच्चों को आपने इतने अच्छे देखभाल रखा है, इतनी अच्छी टीम आपकी है, और ऐसी टीम बड़ी होती रहे और बच्चे और ज़्यादा आते रहे और काम बढ़ता रहे। जी।